कैसे दोस्तों, इस वीडियो में मैं तुम लोग बताऊंगा कि तुम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन को बगैर किसी स्क्रीन रिकॉर्डर के कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। अब तुम मोबाइल चला लो, ठीक है। अब तुम लोग इसमें चेक कर लो कि मेरे पास अभी सिर्फ एक ही स्क्रीन रिकॉर्डर पड़ा होगा, ये ड्यू, ठीक है। लेकिन इसका तो सारे को पता है कि जब हो रहा होता है, ये चलता है, तब यहाँ पर साइड पे आ रहा होता है इसका आइकन, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसके अलावा मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ मेरे अपने फोल्डर्स जो हैं, और ये भी, ठीक है। अब जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, ये हवावे के मोबाइल में जो तरीका मैं बताने लगा हूँ ना, होता है मोस्टली, या फिर ओके सिर्फ इसी में ही होता है, ये मुझे इतना नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि ये हवावे Y7 Prime और हवावे Honor 8 Lite में हो जाता है, क्योंकि ये दोनों मेरे पास मोबाइल है, इन दोनों में होता है तरीका। तो इस तरीके के लिए पहले तो अपने आपने जो है ये जो आपके पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन है ना, इसको दे दबा कर रखना है, थोड़ी देर दबा कर रखना है। इस तरह आप दबा कर रखें तो आपको ये दे देगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग फ्लां 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 फ्लां, ठीक है। ये एग्री कर लें और ये स्टार्ट कर लेगा। अब ये इसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली। यार ये बड़ी हेल्पफुल है, इसमें यार बड़ा ही फ़ायदा है इसका। ये देखो, अगर तो मैं इस तरह यहाँ पे करता हूँ ना, ये इधर उधर कर रहा हूँ, या अगर मुझे कोई चीज़ चलानी है, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे कोई चीज़ दिखानी है, ये महफूज, तो इसके ऊपर ये जो वो भी आ जाता है, आइकन भी आ जाता है उंगली का, जिससे जो है पता चल जाता है, जबकि ड्यू में ऐसा नहीं आता। और ये आसानी से उसी तरीके से स्टॉप भी किया जा सकता है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है स्टॉप का, इसको दबा कर भी स्टॉप की जा सकती है आराम से। और उसके बाद जो है ये तुम लोगों को अपनी तुम लोगों की गैलरी में मिल जाएगी। ये तुम चाहो तो इसको प्ले करके देख लो, इसका इसकी वॉल्यूम मैं बंद कर देता हूँ, इसकी तुम लोग ये भी देख सकते हो इसकी स्पीड कितनी है। जब वीडियो में ये कर रहा होता तो इसकी काफ़ी अच्छी स्पीड भी आ जाती है। तो बस मुझे, अगर तुम लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।